मटर कीमा की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली फ्रेंड्स एंड ऑल व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक एट होम विद फौजी। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी कामयाबियाँ दें, आमीन। आज ही मैं बनाने जा रही हूँ मटर कीमा। बहुत मज़े की रेसिपी है और ये रेसिपी मुझे बहुत पसंद है। इनके अंदर हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने कीमा लिया है, ये बीफ का कीमा है, ये मैंने लिया है 1/2 kg। मटर भी मैंने ली है 1 पाव। प्याज मैंने ली है 1 बड़ी, इसको मैंने चॉप कर लिया है। टमाटर लिए हैं मैंने 2 बड़े, ये भी चॉप कर लिए हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये मैंने 1 टेबल स्पून रेड चिली ली है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, ये सूखा धनिया और गरम मसाला, ये दोनों मैंने मिक्स करके ग्राइंड करके रखे हुए हैं, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। और ये 1 टेबल स्पून मैंने मिक्स मसाले हैं, ये वो है, ये इसकी भी किसी दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं मिक्स मसाले किस तरह से बनाती हूँ। तो अब हम चलते हैं अपनी अगले स्टेप की तरफ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर फर्स्ट टाइम में मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। एक पतीली मैंने ले ली है, इसके अंदर मैंने पानी डाल लिया है। अब मैं फ्लेम को ऑन करती हूँ। अब सबसे पहले इसके अंदर मैं कीमा डाल देती हूँ। टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये जो प्याज मैंने चॉप करके रखी थी ये भी डाल देती हूँ, और ये अपने तमाम मसाला जात ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और इसको एक दफ़ा मैं हिला देती हूँ। अब हमने अपने कीमे को गलाने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो अब मैं आपके साथ 20 से 25 मिनट के बाद मिलूँगी। ये देखें कीमे के अंदर पानी जो है वो थोड़ा सा रह गया है, इसको भी हम लोगों ने पुश करना है ताकि हमारा कीमा जो है अच्छी तरह से गल जाए। व्यूअर्स, मैं जितने भी वीडियोस अभी तक मैंने बनाई हैं उनके अंदर जितने भी मैं मसाले यूज़ करती हूँ वो घर के मसाले होते हैं, कोई भी दूसरा बाहर का मसाला मैं जो है बहुत कम ही इस्तेमाल करती हूँ। माशाल्लाह से इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और ये जितने भी मैं मसाले लेकर आती हूँ ये मैं स्पेशल चक्की से लेकर आती हूँ और ये मैं खुद उनसे बनवाती हूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के हमारी रेसिपीज़ का टेस्ट आता होता है। अभी भी तकरीबन इसको 10 मिनट और लग जाएंगे इसका पानी खुश्क होने में। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये देखें कीमे का पानी जो है खुश्क हो चुका है और कीमा भी गल गया है, प्याज और टमाटर भी हमारे गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऑयल डालती हूँ, 1 कप ऑयल मैं इसके अंदर डालती हूँ। अब कीमे को अच्छी तरह से भूनना है।
तकरीबन 5 मिनट लगता है ये। अब मैं इसके अंदर मटर डालने लगी हूँ। अब हम लोग मटरों को भी भून लेते हैं। वीडियो में चूस कर रही थी तो वीडियो के दौरान मेरी बेटी आ रही, उसको प्यास लगी थी, उसे पानी चाहिए था। मैं बच्चों को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करती हूँ, चुप करवा के बहुत मुश्किल से उन्हें बिठाना पड़ता है, बिठाती हूँ और उसके बाद मैं, ताकि बच्चों का बीच में नॉइस ना आए, इस तरह से मैं साइड पर होकर किचन में अपनी वीडियो की शूटिंग करती हूँ। अब हम लोग 2 मिनट तक मटर को इसके अंदर पीने के साथ भून लेते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी हमारी सीख रही है। ये देखें, मटर भी मैंने भून लिए हैं और पीने को भी मैंने भून लिया है। अब मटर के दाने अभी कच्चे हैं तो इनको पकाने के लिए ना मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं रख देती हूँ इसको कवर करके। अब मैं चेक करती हूँ कि मटर हमारे गल गए हैं कि नहीं। मटर अभी कुछ थोड़े से सख्त हैं तो इनको मैं अभी और अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देती हूँ। अब ये देखिए जो हमारे मटर है वो गल चुके हैं। अगर आप मटरों को बॉईल करके डाल दें तो वो भी तरीका ठीक है। अगर इस तरह से पकाना चाहते हैं तो ये डिपेंड होगी कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं। अब इसको 1 मिनट के लिए मैं रख दूँ मटर के अंदर से जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। ये देखें ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसको मैं गार्निश करके या डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार मटर कीमा की रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।